तीन से सात तो वैसे भी खाने पीने का टाइम नहीं होता। पीटीआई की भूख हड़ताल मजाक बन गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के अरकान असेंबली का गिरफ्तारियों, छापों और क़यादत व कारकुनों के खिलाफ मुकदमात पर एहतजाजन अलामती भूख हड़ताल कैंप जारी है, जो दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस के सामने लगाया गया। भूख हड़ताली कैंप की क़यादत कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कर रहे हैं, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान, अली मोहम्मद खान और असद कैसर समेत दीगर अरकान भी मौजूद। पीटीआई की भूख हड़ताल का सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये भूख हड़ताल है इशाया, जो सिर्फ 3 बजे से 7 बजे तक जारी रहेगा। एक सारिफ ने लिखा कि 3 से 7 बजे तक तो वैसे भी खाने पीने का टाइम नहीं होता, इससे अच्छा था कि रमजान में भूख हड़ताल कर लेते। 3 से 7 बजे तक तो वैसे भी खाने पीने का टाइम नहीं होता, इस भूख हड़ताल से अच्छा था कि रमजान में भूख हड़ताल करते। फहीम अख्तर मुक ने सवाल किया कि ये कैसी भूख हड़ताल है जो सिर्फ 3 से 7 बजे तक जारी रहेगी। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट आज दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे, ये कैसी भूख हड़ताल है। आदिल सईद अब्बासी ने भूख हड़ताल कैंप की वीडियो शेयर की, जिसमें पीटीआई रहनुमाओं ने गले में हार डाले हुए थे। सारिफ ने सवाल किया कि पीटीआई एमएनईज ने भूख हड़ताल पर गले में हार क्यों डाले हुए हैं, क्या ये किसी का वलीमा हो रहा है। ये पीटीआई एमएनईज ने भूख हड़ताल पर गले में हार क्यों डाले हुए हैं,